है, आप आंसर देंगे, आप बताएंगे क्या आंसर होगा और क्यों। इमेज फोन बाय ए कौन के मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बिटवीन द पोल एंड फोकस, एट फोकस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट इन्फिनिटी। कहाँ होना चाहिए, एट इन्फिनिटी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है कॉनकेव मिरर में, उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस। तो फोकस पे पॉइंट इमेज बनती है, मतलब बहुत छोटी है ना, एक पॉइंट के बराबर। तो इस केस में हम एट इन्फिनिटी आंसर देंगे। वेरी गुड बेटा। इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। कॉनकेव रिफ्लेक्टर जैसे आपका किस में होता है, टॉर्च में, जैसे टॉर्च में है, तो उसमें जो बल्ब है वो कहां पे रखा रहता है, बल्ब इज प्लेस्ड, कहां प्लेस्ड होता है बल्ब, आप बताओ। फोकस और क्यों, फोकस और पोल के बीच में करेंगे तो वो तो कुछ और बनाएगा, आप बताएं, आप बताएं। फोकस पे, क्योंकि जब फोकस पे होगा तो जब पैरेलल बनाएगा है ना, और वो कहां जाएगा, इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर तक जा सकती है लाइट, तो टॉर्च का काम क्या होता है, बहुत दूर तक लाइट पहुंचाना। तो इसीलिए हम उसको कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ताकि इमेज इन्फिनिटी तक चली जाए। तो रे पैरेलल हो जाती है, रेज क्या हो जाती है, पैरेलल इन्फिनिटी तक ट्रेवल करेगी। तो हम क्या कहेंगे, एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। क्लियर हो गया। फोकल लेंथ ऑफ अ स्मॉल कॉनकेव मिरर इज 2.5। फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 2.5। इन ऑर्डर टू यूज दिस कॉनकेव मिरर एज अ डेंटिस्ट मिरर, किसके लिए यूज करना है, डेंटिस्ट मिरर के लिए, डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी, डिस्टेंस टूथ की और मिरर की कितनी होनी चाहिए, आप बताएं विदाउट। अब बताओ कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है बेटा। अब डेंटिस्ट को उसको यूज करना है, तो डेंटिस्ट किस लिए यूज करता है मिरर को, ताकि उसकी इमेज बड़ी दिखाई दे और सीधी दिखाई दे। तो कॉनकेव मिरर में ऐसा कहां पॉसिबल है, फोकस पे नहीं, वो तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, आप बताएं। फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ही एक ऐसी कंडीशन है जहां उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, सिर्फ एक ही केस है, और उसमें वर्चुअल वो बड़ी बनती है। तो इसका मतलब क्या है, हमें बड़ी भी दिख जाएगी, सीधी भी दिख जाएगी, इरेक्ट भी होती है। तो कहां रखना है, फोकस और पोल के बीच में। अब देखो फोकस कितनी दूरी पे है, 2.5 पे, तो 2.5 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन में 2.5 से छोटा सिर्फ बी है, 1.5। तो एक्यूरेट आंसर आप नहीं निकाल सकते, आपको आंसर क्या देना था, 0 से 2.5 के बीच में, बट ऑप्शन ऐसा नहीं है, लेकिन उस रेंज में ये आंसर दे रखा है, इसलिए टिक 1.5 पे कर देंगे। समझ में आया वीर, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे इनमें से कौन सी बात अप्लाई नहीं होती है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई, दिस इज बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बी आपने बोला, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इमेज की डिस्टेंस कभी पॉजिटिव हो सकती है, जब आपका इमेज है वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, हो सकती है। कौन से केस में, लास्ट केस में, जिसमें फोकस और पोल के बीच में रखा है। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव में हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है, बस एक ही केस में पॉजिटिव होती है। हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब वो इन्वर्टेड बनाता है तब उसकी हाइट क्या होती है, नेगेटिव, और जब वो लास्ट केस में इरेक्ट इमेज बनाता है तब क्या होती है, पॉजिटिव। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, अब हमें क्या करना था, डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई था, तो वो था इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं हो सकती, ठीक है, समझ में आ गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ, बताओ कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, रिदव आप बताओ। उसने कहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, ऑब्जेक्ट कहाँ है,
लार्ज डिस्टेंस पे रखा है, लार्ज डिस्टेंस किसको कहते हैं, इन्फिनिटी को, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, किस पे बनती है, फोकस पे, वो भी पॉइंट इमेज। अब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है और फोकस क्या होता है, आर का हाफ होता है, दैट इज 40/2, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ साइन की बात नहीं कर रहा है क्योंकि जैसे उसने वहां दिया है वैसे ही यहाँ दिया है, बस आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। ठीक है,